नहीं साहब को कहती हूँ मुझे चाहिए वहां बना हुआ कि ये कितनी देर में आप कंप्लीट कर रहे हैं, इसका फाउंडेशन देखा हुआ है और कंप्लीशन देखा हुआ है। यही हमने मेडिकल कॉलेज का किया, बल्कि मेडिकल कॉलेज के लिए हमने ऑलरेडी 3500 स्टाफ क्रिएशन कर दी है ताकि जब मेडिकल कॉलेज रेडी हो उस वक्त हमें दिक्कत ना हो। इसी तरह प्राइमरी हेल्थ सेंटर अधूरे पड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको कम्प्लीट करने की। स्कूल बिल्डिंग्स छती गई नहीं है, पंचायत बिल्डिंग्स छती गई नहीं, ऐसी कई एक लेवल पे कोई बी लेवल पे कोई सी लेवल पे, हमने कोशिश की प्लानिंग में भी हम जो कुछ बनाए उसको मुकम्मल करें, उसके लिए पूरा पैसा होना चाहिए, हमें कहीं से भी इसका वो है पैसे की आगे कमी ना हो, आज हमें कल भी हो सकते हैं। और यही होना चाहिए उजड़े हुए चमन जितने भी देखो अस्पताल की बिल्डिंग, और हुआ क्या है, अगर आपको डायरेक्टरों की बिल्डिंग चाहिए थी वो 10 करोड़ खर्च कर भी कम्प्लीट नहीं हुई है, क्योंकि 5-5 लाख 6 लाख 7 लाख वो ठेकेदार के लिए तो बन गई, वो दूध देने की गाय उसका क्या, वो हर साल एस्केलेशन करता गया। इसलिए हमारी कोशिश है कि जो भी बनना है उसका कॉस्ट क्लोज होना चाहिए कि भाई 2 करोड़ में ये बननी है, 2 साल में ये बननी है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। ये हमने प्लानिंग में एक बहुत बड़ी जो है इसी तरह से यहाँ बात हुई है मेरे अलामी दरबार की, तो बताते हालांकि खुद कॉन्ट्रेक्ट किया आपने कहा कि आपने क्या नया किया, हमारे पहले चीफ मिनिस्टर भी करते थे, अगर वो भी करते थे तो मैंने कौन सा कुछ सोच लिया, वो भी करते थे मैंने भी किया, शेख साहब मालूम भी करते थे मैंने क्या किया, मैंने भी वही किया। और अलामी दरबार तो अभी कहा हमने कि तो पहले भी होते थे, कोई पहली बार नहीं हुए। हाँ ये जरूर हुआ कि अगर कहीं छोटा कोई कोई सा गरीब लोग मेरे पास आए और कहीं उन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो है कोई हमें 50 करोड़ की जरूरत है, हमें 4 बेडरूम की जरूरत है, हमें फलानी जगह 1 लाख रुपए इतने सालों से वहां कोई छोटा सा ब्रिज बन रहा है, अगर आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देंगे तो कम्प्लीट होगा, मतलब छोटी छोटी रकम के लिए कुछ चीज जो है काम जो है बंद पड़े थे। नजीर बुरेज साहब आप आए, अमीर मर साहब आए, उस्मान मलिक साहब आए, बहुत सारे लोग आए और एक दिन में बताया दिल पे हाथ रखिए कि अगर आपने कोई मुझसे इवन लाली साहब विश्वास कि ये दिल पे हाथ रखिए बताया कि हमने कहीं मुझसे कोई डिमांड की, इनके जो लोग आए तो मैंने कहीं उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं, बल्कि आप अपने जाके अगर इन्होंने जो भी यहाँ गुजरात सब तो नहीं थे वहां वो दिल्ली थे, इनका कोई गर्गर आया अपना रूप लेके तो उसने मेरे कहा मैं कोई 50-60 लाख की एक ही डिमांड की, वो मैंने वो भी कर दी क्योंकि ये आपका पैसा है। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमने जो जो बोर्ड मीटिंग्स का है वो खत्म, वो तो भी हम करते हैं, उसकी बारे में कैसे खत्म किया हमें, अगर आप यहाँ डिस्कशन करना चाहते हैं एमएलएस की एम्पावरमेंट की हमें करना चाहिए, हमने पहले ही कहा राहुल साहब कहते हैं कि लेट्स टेक कॉन्स्टिट्यूट एज एन यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, ताकि आप हमें की बार एम्पावरमेंट हो, मैं किसी ना खुद एमएलए मैं एमएलए रह चुकी हूँ, बात कर रही हूँ, मुझे पता है क्या होता है कि अगर एमएलए जो है बेबस हो जाता है कि जब आप पैसा देते हैं सीधे अपने वो भी खर्च नहीं करने देते हैं तो क्या होता है, मैंने देखा है उसको 2 महीने के बजाय 8 महीने 9 महीने तक भी नहीं मिलता है उसका एस्टिमेट, वो भी नहीं देता, बहुत दिक्कत हो जाता है सब प्रॉब्लम सिस्टम, ये कोई हमेशा जान कुछ नहीं होता, सिस्टम का प्रॉब्लम है, वो कभी कभी कोई लोग ये भी सोचते हैं खुश हो जाएंगे अगर हम बोलेंगे कि हमने किसी का काम नहीं किया, उनको ऐसा हो जाता है सब। इसलिए मेरे आवामी दरबार करने का कोई मकसद नहीं था, आप लोगों की दूसरा कमेंट करने का आई सल्यूट यू, मुझे मालूम है कि आप लोग हम लोग कितने मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, एक मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ दूसरे होना उसके बाद काम कर रहा हूँ, लोगों के सामने जवाब देना ये मैं समझती हूँ, और आप आई वुड लाइक टू श्योर यू प्लीज बी अश्योर्ड, मैंने आपकी मदद की, अगर मैं बना गई आपके पास डेलीगेशन डेलीगेशन में हमने कोशिश की कि किसी पार्टी के एमएलए का नाम हम ना लिखे, वो खाली आपका नहीं किसी भी पार्टी के नाम एमएलए का नाम लिखे, हमने डेलीगेशन नाम लिखी मैंने उनको कहा था वो भी पार्ट हो, सिर्फ आप लिखो कि डेलीगेशन है उसमें नाम नहीं बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी बिटरनेस हो कि फलानी एमएलए ने इतना लिया फलानी ने इतना लिया, मगर मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ मेरा आउटरीच का प्रोग्राम है, लोगों ने इसको लाइक किया, लोगों को काफी इसमें काम भी हुए और कोई 600 करोड़ की बात नहीं है, जो बड़ी चीजें हैं वो मैंने कहा है इनको नबार्ड में देखे, स्कूल अपग्रेडेशन है वो डिपार्टमेंट तो आगे चलते हैं उसकी फिजिबिलिटी देती है, वो तो मेरे से नहीं होगा,